राह चलते कहीं भी काले कोट पहना कोई दिख जाए तो तुरंत समझ लिया जाता है कि वो एक वकील है। अदालत परिसर में भी काले कोट पहने वकीलों की भरमार होती है। वही कोर्ट रूम में सुनवाई सुनते और फैसला सुनाते जज के गाउन और कोट काले होते हैं। ऐसा केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया भर लागू होती है, क्योंकि विदेशों की अदालतों में भी जज और वकील काले कोट ही पहने नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जज काले कोट या गाउन या वकील काले कोट ही क्यों पहनते हैं? ये साफ है कि इसे फैशन तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जज और वकील दोनों एक गंभीर पेशे के तहत आते हैं। फिर इसकी क्या वजह है, तो चलिए इस वीडियो में ही तलाशते हैं इस सवाल का जवाब। हालांकि 70 के दशक में एडवोकेट एक्ट के रूल्स के तहत वकीलों के लिए काले कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले इसकी कुछ खास वजह और इतिहास भी रहा है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेंगे कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक काला रंग अनुशासन, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वही सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब जज और वकील सफेद शर्ट और काला कोट पहनते हैं तो वो अनुशासन, शक्ति और पवित्रता की साक्षात मूरत बन जाते हैं। वही उनसे उम्मीद भी की जाती है कि वो सच का साथ देंगे और सही न्याय करेंगे, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। कई ऐसे जॉब्स हैं जिनके कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड होता है, उनमें से कुछ में काले रंग के पोशाक भी देखे जाते हैं, लेकिन जज और वकील केवल काले कलर के ही कोट पहनते हैं। इसकी एक और वजह ये है कि ये पोशाक उन्हें दूसरे प्रोफेशन से अलग दिखाता है। हालांकि काले कोट में तो ट्रेन का टीटी भी नजर आता है, लेकिन ट्रेन और रेलवे स्टेशन को छोड़कर आप कहीं भी इस तरह के पोशाक वाले व्यक्ति को देखेंगे तो खुद ब खुद ये कह उठेंगे कि या ये तो जज है या फिर ये वकील है। हालांकि जजों और वकीलों को काले कोट पहनने का चलन काफी पहले से चला आ रहा है, लेकिन 1961 में एडवोकेट एक्ट के तहत वकीलों को काला कोट पहनने का नियम बना दिया गया था, जिसके बाद से वकील काले कोट में ही नजर आते हैं। काले कोट पहने जाने के चलन के पीछे का इतिहास क्वीन मैरी और चार्ल्स द्वितीय से जुड़ा हुआ है। इसके इतिहास के बारे में कहा जाता है कि 1694 में क्वीन मैरी की मौत के बाद जब निधन शोक का आयोजन किया गया, तब राजा विलियम्स ने आदेश जारी किया था कि निधन शोक के वक्त कोर्ट के सभी जज और वकील काले रंग के गाउन ही पहन कर आए, ताकि ये लोग सभी से अलग दिखें। वही ये भी बताया जाता है कि इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय की मौत के बाद भी शोक सभा में आगे के लिए जजों और वकीलों के लिए ड्रेस कोड रखा गया था, जो कि काले रंग का कोट ही था। वकीलों के काले कोट पहनने का प्रस्ताव आज से तकरीबन 400 साल पहले रखा गया था। कहा जाता है कि काले रंग की ड्रेस का प्रस्ताव 1637 में रखा गया था, जिसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि काला कलर जल्दी गंदा नहीं होता, जिसके चलते इसे रोज भी पहना जा सकता है। हालांकि शुरुआती समय में वकील सुनहरे लाल कपड़े और भूरे रंग से तैयार गाउन पहना करते थे। हालांकि जहां तक इंडिया की बात है तो आजादी के बाद 70 के दशक में इसे अनिवार्य कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।